आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही मंदिरों में, हर एक का मंदिर में हम देख रहे हैं भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिव भक्ति का आज ये दिन है। ऐसे में मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन की बात की जाए तो यहाँ पर बाबा महाकाल के पट 2:30 बजे खोल दिए गए और भक्तों को लगातार 44 घंटे महाकाल के दर्शन होंगे। आधी रात से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही हैं, ना सिर्फ धर्मनगरी उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश के हर एक मंदिर में भक्तों का सैलाब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि का आज दिन है और महाशिवरात्रि के इस मौके पर हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है। हर एक मंदिर में हम देख रहे हैं हर हर महादेव की गूंज हमें देखने को मिल रही है। साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त जुटे हुए हैं। मंदिरों में हम देख रहे हैं भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज कहा जाता है अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। शिव उपासना का आज ये दिन है, जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, मंदिरों में विशेष पूजन अर्चना की जा रही है। तो ये उज्जैन से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन ने भी यहां पर तमाम इंतजाम कर रखे हैं। भक्तों को लगातार 44 घंटे यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और धर्मनगरी उज्जैन पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। बाबा महाकाल की भस्म आरती यहां पर की गई, विशेष साज श्रृंगार यहां पर भगवान भोलेनाथ का भी किया गया है। इसके साथ ही मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर शिवालयों में विशेष तैयारियाँ और विशेष साज श्रृंगार यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का किया गया है। तो हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हर एक छोटे से बड़े मंदिर में भी हम देखें तो भक्तों का सैलाब सुबह से देखने को मिल रहा है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा अर्चना का ये दिन है और ऐसे में सभी भक्त जो है अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन तीन जगह से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ग्वालियर से उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही बिलासपुर से अमन और जगदलपुर से रजत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास मैं आना चाहूँगी, अचलेश्वर मंदिर से आप लाइव जुड़े हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की धूम महाशिवरात्रि की देखने को मिल रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये ग्वालियर का प्रसिद्ध अचलेश्वर मंदिर है और जहाँ कहते हैं कि लोग जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है, और खासकर जब शिवरात्रि का पर्व होता है तो भक्तों की जो भीड़ है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह से ही जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए और उनसे अलग अलग जो कतारें हैं, महिला और पुरुषों की जो अलग अलग कतारें हैं, वहाँ से भक्त वो अपने भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कहा जाता है कि जो अचलेश्वर मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और सिंधिया रियासत का यह मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि भक्तों में जो भोले के दर्शन के लिए काफ़ी उत्साह है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा जो तस्वीरों में आप देख सकते हो पुलिस लगी हुई है और जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बारी बारी से दर्शन करा रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व है वो ग्वालियर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यही वजह है कि रात 12 बजे से जो भक्त है वो लंबी लंबी कतारों में जो भोले के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो अचलेश्वर मंदिर है वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम जो बाउंसर हैं वो इस समय लगाए गए हैं और जो जो सुरक्षा की जो बाउंसर हैं वो महादेव की सुरक्षा करेंगे। तकरीबन 60 जो बाउंसर हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें 20 महिला बाउंसर भी हैं। तो यानी कुल मिलाकर भोले की जो सुरक्षा है वो बाउंसरों के द्वारा की जा रही है और मंदिर में जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं। और जो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसका खासा महत्व है, यहाँ पर हर सोमवार को जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं, लेकिन खासकर बिल्कुल भक्तों की भीड़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि शिव उपासना का आज दिन है। बिलासपुर से हमारे साथ अमन लाइव जुड़े हुए हैं। अमन, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी के शिवालय में हम मौजूद हैं, जो स्वयंभू शिवालय है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयं से उत्पन्न हुआ है ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनोकामना शिव जी से मांगी जाए जल चढ़ाकर वो पूरी जरूर होती है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार लंबी कतार, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, सभी यहाँ पर अपने आराध्य भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कतार में लगे नजर आ रहे हैं। लगातार वो दर्शन करने के अभिलाषी हैं और अपने आराध्य के को जल चढ़ाकर प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाह रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो शिवलिंग है काफ़ी छोटा गर्भगृह है, लेकिन प्रसिद्धि इतनी है कि लोग यहाँ दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित करके उनसे अपनी जो सौभाग्य और संतुष्टि की जो है मनोकामना कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो लगातार लगी हुई है। अभी भी काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर देखने को मिल सकती है। जो श्रद्धालु है उनका उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं उनमें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे लगते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही उत्साह उनके बीच कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो पूरा मंदिर परिसर है वहाँ भजन कीर्तन और बाकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, और जो कतार हैं उसमें लगे हुए जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, और शिव भक्ति में लीन सभी यहां पर नजर आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ और उत्साह साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। जगदलपुर से रजत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, आप किस मंदिर में मौजूद है, वहां पर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? ये जगदलपुर का महादेव घाट का मंदिर है और ये राजशाही काल में इसकी स्थापना की गई थी। समय के साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और इंद्रावती नदी जो है उसके तट पर यह मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंद्रावती नदी का ही पवित्र जल लेकर श्रद्धालु जो है वो भगवान शिव को यहाँ अर्पण करते हैं। और यहाँ इस मंदिर की एक और खासियत है, 200 साल पुराना जो है बरगद का पेड़, जहाँ पर लोग रक्षा सूत्र बांध कर खुद की, परिवार की और पूरे अंचल की जो है सुख शांति की कामना यहाँ आकर करते हैं। जो जल इंद्रावती से लेकर चढ़ाया जाता है वह जलहरी के रास्ते वापस जो है वो इंद्रावती नदी में विसर्जित होता है, और यहाँ लोकोक्ति है, जनश्रुति है कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वह निश्चित तौर पर पूरी होती है। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे खास दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। यहाँ सुबह 7 बजे से श्रद्धालु जो है वो भोले बाबा के दर्शन करने पहुँचे हैं, और एक ही प्रिमाइसिस में 2-3 भगवानों के मंदिर होने की वजह से भी इस जो है स्थल का महत्व और बढ़ जाता है। नदी का तट है इसलिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान जो है सुबह से यहाँ तैनात हैं और व्यवस्थाएँ जो हैं वो अच्छे से संचालित हों इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, और दोपहर 12 बजे के करीब यहाँ एक विशेष आरती का भी आयोजन किया गया है ताकि श्रद्धालु जो है उसमें शामिल हो सकें, रुद्राभिषेक कर सकें, और इसके साथ नदी तट पर होने की वजह से ये बस्तर के लोगों में महाशिवरात्रि का पर्व है, और ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। शिव भक्ति में लीन सभी नजर आ रहे हैं। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन और रजत, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई मंदिरों की कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आस्था का पर्व है, और ऐसे में सुबह से ही